ऑल राइट गाइज, तो आई एम एट द प्लेस जहाँ पे मुझे करना है रेस्क्यू। मेरे साथ मेरे बड़े भाई भी आए हुए हैं और सामने एक और भैया चल के जा रहे हैं, तो मैं इनमें से किसी एक पर्सन को कैमरा हैंड ओवर कर दूंगा। और कह रहे काफ़ी बड़ा है, आई होप कि पाइथन ही हो, रसल्स वाइपर ना हो। रसल्स वाइपर भी काफ़ी ज़्यादा देखने में सिमिलर होता है पाइथन के जैसे, बट बहुत ही ज़्यादा वेनमस होता है। देन देखते हैं कौन सा सांप है। कह रहे अपने उनके खेत के साइड में फटाक से करते हैं उसको रेस्क्यू। और अभी एक नेक्स्ट कॉल भी आया, वहाँ पे भी होप कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ यहाँ से रेस्क्यू करने के बाद। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो आप लोगों को देख पा रहे हैं, ये लोग देखने आए हैं इस पाइथन को। रहीम भाई तो आ नहीं पाएंगे, मैं आ गया। तो ये रहा वो पाइथन जिसे करना है रेस्क्यू। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लग रहा है, आई थिंक कुछ खाया होगा कुछ टाइम पहले। देखो फन मत है। दादा तो किस को ना तुम चापा लागो ना, तुम सरो, तुम सामने तो सरो। डाल दो। अरे भैया मत बोलो, करने दो उसको, करने दो। अरे डाल देगा दादा, थोड़ा वो खेल ले दो उसको साथ। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। ध्यान भटका हो रहा, ध्यान तुम दिख रहा हो रहे ना सर। अरे जख्म भी हो गया सर। जख्म नहीं है वो, मेल है मेल। अपनी गंद चलिए, एक भैया कट्टा फैला लीजिए। अरे ये अपने आप को ना काट ले, थोड़ा भारी है। और इसने लग रहा है कुछ टाइम पहले कुछ खाया ये। बिल्ली बिल्ली खाया हो। ये देखो हाथ को अच्छी तरीके से लपेट लिया इसने। महंगा बड़ा गंदा हाथ दिया ना, तभी ऐसे लपेटे हुए में डालते हैं। और बड़ा गंदा स्मेल आ रहा है। कट्टा बड़ा नहीं है, पीछे बना नहीं है यार। अरे देख ले, लपेटे मार रहा है अपने आप को। कुछ खाया लग रहा है, खाया है। बिल्ली गिलने लगा, नीचे करो कट्टा, नीचे करो। अरे कट्टा नीचे करो, किसी की बिल्ली का मैं गिलने ना, कट्टा नीचे करो। इससे ले लो ना, डंडा लेके जा रहा है यार। अरे पकड़ा ना, काटेगा उन्हें। फिर गंदे छोड़ी हो तो रस्सी लाओ, रस्सी। अब रस्सी ले आओ, रस्सी लाओ भैया, रस्सी। वेल ऑल राइट, तो अभी काफ़ी डीप में आ चुके हैं जंगल के, जहाँ पे हम लोग इजीली इस पाइथन को छोड़ सकते हैं। तो मैं कहूँगा सूरज से कि जाके पाइथन को ले आए स्कूटी से। वेल इसको फटाक से ओपन करते हैं,
और इसके अंदर से निकालते हैं हमारा पाइथन। राइट, तो आप देख सकते हैं कितना मैसिव साइज का है, बहुत बड़ा साइज का है। और इसका पूंछ और इसकी मुंडी एक ही जगह पे है, तो मैं अब इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, ये थोड़ा खिसक जाएगा, तो मैं इसको पकड़ूंगा। वेल ऑल राइट गाइस, तो देख सकते हैं कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट 8 से 9 फीट के बीच की इसकी लंबाई होगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और इसका पेट बीच से फूला हुआ है, यानी अभी इसने कुछ दिन पहले कुछ खाया है, हो सकता है 1 या 1.5 दिन पहले ही खाया हो। तो इसको फटाक से रिलीज करेंगे। अटैकिंग में अब आया है, वीडियो आया है अटैकिंग की। घसीटा मारा बड़ा तगड़ा।